तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है कि भाई वन प्लस ने अपने अपकमिंग स्मार्टफोन नॉर्ड सी थ्री लाइट की जो ऑफिशियल लॉन्च डेट है वो यहाँ पे कंफर्म कर दी है, जो कि रखी गई है यहाँ पे 4 अप्रैल। इवन अमेजोन के ऊपर भी इसका जो टीजर पेज है, लैंडिंग पेज है, वो यहाँ पे आ चुका है। लेकिन दोस्तों, अब नॉर्ड सी थ्री लाइट की जो प्राइसिंग है वो भी यहाँ पर लीक हो चुकी है। जी हाँ, जिसके बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं, किस प्राइसिंग पे आपको देखने को मिलेगा नॉर्ड सी थ्री लाइट 4 अप्रैल को, और बात करेंगे क्या भाई इस प्राइस पे एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन भी रहने वाला है या फिर नहीं। तो भाई आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले प्राइसिंग की ही बात कर लेते हैं। तो जिस तरीके से आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे MRP लीक होके आ चुकी है नॉर्ड सी थ्री लाइट की। इसके 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट की, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो 27,999, जैसे कि आप 28,000 रुपये यहाँ पे बोल सकते हो। अब यहाँ पे ये है MRP। अब डब्बे के ऊपर जो प्राइस लिखी जाती है आमतौर पर, उससे कम ही यहाँ पे स्मार्टफोन उसकी जो लिस्टिंग प्राइस यहाँ पे होती है। तो आप मान के चलिए इसका 8 GB रैम वाला वेरियंट आपको लिस्टिंग के टाइम पे कुछ देखने को मिलेगा अंडर 25,000 की प्राइसिंग के अंदर। हो सकता है कार्ड डिस्काउंट ऑफर लगा के इनिशियली आपको 23,000 रुपये के आसपास, 24,000 रुपये के आसपास भी देखने को मिल जाए, लेकिन हाँ अंडर 25 ही अभी के लिए आप यहाँ पे मान के चलिए। हो सकता है इसका एक 6 GB रैम वाला वेरियंट भी आए, जो कि यहाँ पे और थोड़ा सा 2,000 रुपये सस्ता हो। लेकिन दोस्तों, मुझे क्या लगता है ना कि भाई अंडर 25,000 वाला स्मार्टफोन ये नहीं है सीरियसली, अगर इसकी स्पेसिफिकेशंस की तरफ यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले चिपसेट परफॉर्मेंस के अंदर कोई भी अपग्रेड नहीं है। लास्ट टाइम से 5G स्मार्टफोन बनाना था, थोड़ा ठीक ठाक चिपसेट देते यार, मीडियाटेक का डायमेंसिटी 920 वगैरह ही देते। यहाँ पे तो उठा के पिछली बार वाला ही क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 दे दिया गया है, तो मतलब मजा नहीं आया भाई यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 6.72 इंचीज का एक IPS LCD पैनल पंच होल के साथ में आता है। फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन देखने को मिल जाती है। 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले में भी ऐसा नहीं है कि भाई चलो परफॉर्मेंस वहाँ पे करी है तो यहाँ पे AMOLED दे दी गई है, वो भी यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। अब कैमरा सेटअप पे आते हैं, तो यहाँ पर कंपनी ज़रूर से हाइप यहाँ पे बनाने वाली है। रेयर साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। मेन सेंसर होगा यहाँ पे 108 MP का, और 2-2 MP के दो और सेंसर देखने को मिलेंगे, रिपोर्ट से अभी तक यही पता चला है। तो मतलब एक ही यूजफुल सेंसर है 108 MP का, अल्ट्रा वाइड भी नहीं दिया है मतलब भाई, और 16 MP का यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर स्मार्टफोन को पावर देती है एक 5000 mAh की बैटरी, और ये कंपनी ने खुद ही अमेजोन के ऊपर कंफर्म कर दिया है, और 67 W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ में आएगा। बेसिक जो कनेक्टिविटी ऑप्शन होते हैं, ब्लूटूथ 5.1 वगैरह, वाईफाई 6 वगैरह, वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिल ही जाएगा। और हाँ, बताया जा रहा है कि SD कार्ड लगाने का सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। और साथ ही में जो स्मार्टफोन है, आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे एंड्रॉइड 13 के साथ में आएगा, लेटेस्ट OxygenOS जो है। अब इसके अलावा स्मार्टफोन की बिल्ड और डिजाइन की बात की जाए, तो ये भी यहाँ पे ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि 2 कलर वेरिएंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एक ग्रे कलर होने वाला है, और एक ये जो लाइम कलर है, जो कि यहाँ पे खुद ही इन्होंने काफी बार टीज कर दिया वन प्लस ने, ये देखने को मिलेगा। डिजाइन इसका ऑफकोर्स यहाँ पे अच्छा है, मिनिमलिस्टिक डिजाइन है, बॉक्सी शेप के साथ यहाँ पे आता है। बड़े बड़े दो कैमरा मॉड्यूल बैक साइड में अच्छे यहाँ पे लग रहे हैं, नो डाउट, तो ये चीज है। लेकिन दोस्तों, फिर वही बात आ जाती है कि भाई जब अंडर 25,000 के प्राइस सेगमेंट की बात आती है, उस प्राइस रेंज में किसी को स्मार्टफोन खरीदना है, तो वहां पे आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 778 वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है, या फिर डायमेंसिटी की तरफ जाते हैं तो 1080 देखने को मिल जाता है, 920 देखने को मिल जाता है, 930 देखने को मिल जाता है। और जब सेल वगैरह आती है अमेजॉन फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 वाले स्मार्टफोन भी आपको यहां पे देखने को मिल जाते हैं मार्केट के अंदर। तो इस लिहाज से भाई, जिन लोगों को यह है कि मुझे वन प्लस का ही कोई स्मार्टफोन खरीदना है लेटेस्ट वाला अंडर 25,000 के प्राइस ब्रैकेट में, तो हाँ उन लोगों के लिए ठीक ऑप्शन हो सकता है। बाकी वैल्यू फॉर मनी तो इसे यहाँ पे मैं नहीं बोलूंगा, लास्ट टाइम से भी कोई खास अपग्रेड नहीं है। वन प्लस वही यहाँ पे फेंकेगा लंबी लंबी 108 मेगापिक्सल वगैरह, हाइप तो हर कंपनी बनाती है बिजनेस के लिए ऑफकोर्स, तो ये चीज है। बाकी आपके क्या क्या ख्याल है अगर इस प्राइसिंग पे नॉर्ड सी थ्री लाइट इंडियन मार्केट में आता है, कि आप उसे खरीदना पसंद करोगे नहीं करोगे, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और दोस्तों, इस वीडियो को इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और भाई चैनल पर नहीं हो पहली बार आई, आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा देना। और मैं मिलता हूं हमेशा तरफ से नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय एंड टेक केयर।